हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने हमारी जो अभी पिछली वीडियोस हैं, हमने जो पोस्ट किया आपकी राशि अनुसार, उसके साथ ही हमने जो आपको 2024 में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, और स्पेशली मेरा बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही थी कि आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ कि 2024 में जो वो राहु केतु, मतलब अक्टूबर से जो उसका ट्रांजिट हुआ है, वो ज़रूर जाकर देखें, उसको मिस ना करें, क्योंकि उसके बेसिस पर ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं, स्पेशली 2024 के अंदर। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें, उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें कि क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बेसिस पर ही आपका इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे उसका इम्पैक्ट रहने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या चीज़ें जाने वाली हैं, वो सारा आप 2000 अगर राहु केतु का ट्रांजिट देखते हैं तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी ही। इसके साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ 2024 में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं और माइन्यूट लेवल पे बात करूंगी, तो इस वीडियो में आखिरी तक आप बने रहें। इसमें मैं सैटर्न की बात करने वाली हूँ, राहु केतु की बात करने वाली हूँ, और वर्ल्ड वाइडली इस चीज़ क्या कुछ क्या चीज़ें आपको उभरती हुई नजर आएंगी इस पीरियड में, तो उन सब के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगी। एंड अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी सैटर्न की 2024, 2+2+4 विच एड्स अप टू 8। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर के अंदर 2 0 बन रहे हैं अगर हम देखें तो। तो ऊपर वाला 0 वो होता है जो हम इनिशियल टाइम पर करते हैं, जो पहले हमने चीज़ें की होती हैं, और नीचे वाला 0 मुझे लगता है कि वो है जो अब हमारा टाइम है भोगने का। बहुत सारे लोग इसे इन्फिनिटी का सिंबल भी बोलते हैं। तो इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, इन्फिनिटी का सिंबल बेसिकली ऐसा होता है कि वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग चलती रहें। हम बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको बनाते हैं, बट मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जो सैटर्न है ना, वो हमारे कार्मिक के अकॉर्डिंगली ही हमें रिजल्ट देता है। जो चीज़ें भी हमने की होती हैं, अच्छी बुरी, दैट डिपेंड्स, है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे को रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों के बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी, और आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, जो सैटर्न है वो दो राशियों को रूल करता है, एक वो करता है कैप्रिकॉन को और एक करता है वो एक्वेरियस को। जो कैप्रिकॉन है वो अर्थ एलिमेंट की राशि है, और जो एक्वेरियस है वो है एयर एलिमेंट की राशि। तो यहाँ पर आपको अर्थ रिलेटेड भी न्यूज़ सुनने को मिलने वाली हैं 2024 में, और एयर रिलेटेड भी आपको सुनने को मिलने वाली हैं 2024 में न्यूज़, ठीक है। इसके साथ ही जो अगर हम वास्तु की भी बात कर लें, यहाँ पर जितनी ज़्यादा मोडालिटीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझने में आसानी होगी, और आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, और मेरा मोड आप समझ पाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग दी कंसल्टेशंस मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी कॉल कंसल्टेशंस होती हैं तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको इस डायरेक्शन को साफ रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप हमेशा सुनते हैं मैं वेस्ट डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, तो नंबर 8 और जो शनि का जो साल होता है वो मैनिफेस्टेशन के लिए भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन को हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर विश फुलफिलमेंट डायरेक्शन बोला जाता है, राइट। और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी आप लोगों को रेमेडीज बताती हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, कैसे अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो उसमें हम वेस्ट डायरेक्शन का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली हमारी विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन रहती है। और यहाँ पर वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो सैटर्न का जो इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है वो वेस्टर्न पार्ट, तो आप ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है, या वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया भी इफेक्ट होगा, भारत भी इफेक्ट होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉल्यूटेड एयर या भूस्खलन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हुए आपको नज़र आएगी, या आंधी तूफान, बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आपको इस जगहों पर सुनने को मिल सकते हैं। इसीलिए जो वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में मेंशन किया गया था जो मेरी पुरानी वीडियो के अंदर, वो इसी वजह से ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब देखिए, जो केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, ठीक है, वो हुआ है अर्धी साइन में, अगेन वर्गो के अंदर हुआ है, 6 नंबर की राशि है, वो भी अर्धी साइन है। तो आप वहां पर भी समझ के चलिए, केतु क्या करता है, बिल्कुल ना
जमीन से ज्यादा नीचे वाली जो चीजें होती है ना, मतलब बिल्कुल नीचे वाले लेवल पर वो वर्क करता है, तो इसलिए भूस्खलन जैसी जो चीजें मैंने आपको प्रिडिक्शन में अपनी शेयर की हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा सुनने में आएंगी। अब राहु जो मूव करा है, राहु ने जो मूव किया है वो वाटर एलिमेंट की राशि में किया है, तो आप देखिए ना यहाँ पर खुद ही सारे प्लैनेट्स, देखो पानी से हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि वाटर एलिमेंट की राशि में राहु आ गए हैं, ठीक है, पाइसिस के अंदर। इसके साथ ही मैंने एयर साइन के अंदर बात की है क्योंकि जो सैटर्न की जो राशि है वो एक एयर में है और एक एक अर्धी साइन में है, तो वो भी इफेक्ट करेगी। उसके बाद केतु जो आए हैं वो अगेन अर्धी साइन के अंदर आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें घूम मिलाकर कहीं ना कहीं आपको नेचुरल चीजें ही तो दिखा रही हैं। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो आंधी तूफान अर्थक्वेक है ना, ये सारी चीजें आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट्स ही ऐसे चल रहे हैं। ये मेरा इस वजह से भी समझाने का मोड है ताकि मैं जैसे कि बोलती आ रही हूँ आप लोगों को कि हर एक घर में एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, हम जैसे शनि का साल है, अरे नेगेटिव नेगेटिव हो जाओ बहुत ज्यादा, तो नहीं, मैनिफेस्टेशन करेंगे, बहुत सारी विश को फुलफिल करेंगे 2024 के अंदर, और बहुत पॉजिटिव रहो क्योंकि देखिए सैटर्न हमारे कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देता है। कर्म अगर खोटे हैं नेगेटिव हो जाएंगे, चीजों पे कुछ एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, सिर्फ विश लिखने से या मैनिफेस्ट करने से ही चीजें नहीं हो जाती, हमें कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी में अगर हमने इतने टाइम्स लिख ली वो चीज तो अब चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, ऐसे कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होती। बहुत सारे लोग अब जो है ना मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं, करिए, बट स्टिल मैं ये इस चीज पे बिलीव करती हूँ, जब तक आपका समय सही नहीं होगा, कर्म सही नहीं होंगे, तो आप चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे। सिर्फ हमेशा लिखने से, रेमेडीज करने से काम नहीं बनते, चाहे आप जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर्स के पास धक्के खा, जो मर्जी चीजें कर लो, बट रिजल्ट नहीं आता। सैटर्न है ना हमें चीजों को एक्सेप्ट करना सिखाता है, और अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ एक्सेप्टेड है, लाइक सपोज अगर किसी को हम कह देते हैं कि अभी जैसे जिन लोगों की भी 7.5 सातियाँ स्टार्ट हुई हैं, मैंने आपको बोला था कि आपके अकॉर्डिंगली आपके कर्मों के बेसिस पे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जैसे भी किए होंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी करी होगी, स्मार्टनेस दिखाई होगी, तो फिर वैसे ही चीज़ें हमें मिलेंगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए, और जो सैटर्न है ना वो आपको, क्योंकि सैटर्न को हम कहते हैं शनि शनि, धीरे 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 चलता है। अब यहाँ पर लोग कौन से परेशान होने वाले हैं, यहाँ पर लोग वो परेशान होने वाले हैं जिनको एकदम क्विक चीज़ें चाहिए होती है ना, बिल्कुल जल्दी से चाहिए, फटाफट से मिल जाए, है ना। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल जीरो है तो आप लोग डिप्रेशन में डेफिनेटली जाओगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी नहीं। सैटर्न तो हर चीज़ डिले करके देता है, धीरे धीरे देगा, और सैटर्न का ईयर है, चीज़ों में हर्डल्स आएंगी। देखो मैं यहाँ पर ये भी जरूर बोलती हूँ, जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें डिले से चल रही थी ना, वहां पर प्रोग्रेस होती हुई डेफिनेटली उन लोगों को नजर आएगी, बट जो लोग बेसब्र हैं, जिनमें सब्र ही नहीं है, जिनका मूड डिस्टर्ब है, उन लोगों के लिए तो स्पेशली मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पर उनको थोड़ा और खास ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ उनकी बिगड़ सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सैटर्न हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें कौन कौन सी जगहों को रूल करता है, तो नर्व्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, जॉइंट पेन, ठीक है, इन सारे इश्यूज को आप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट होते हुए देखेंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, देखिए बुध जो है ना, मतलब वर्गो साइन के अंदर जब केतु आता है तो एरर फाइंडिंग वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, सेम इसके साथ यहाँ पर ना डिजिटल करेंसीज का ज़्यादा यूज़ आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलने वाला है। टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आएगी आपको, क्योंकि विजडम की राशि के अंदर, मतलब जुपिटर की राशि के अंदर जब राहु आ गया तो उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने वाला है वो, और वैसे भी जुपिटर भी चीज़ों को एक्सपैंड ही करता है, सबसे ज़्यादा मोटा वेट वाला ग्रह अगर बोला जाता है तो वो जुपिटर ही बोला जाता है, ठीक है। लाफिंग बुद्धा से हम उसको डिनोट करते हैं, तो लालाजी बिल्कुल वहीं से देखे जाते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो देखिए केतु जब बुध की राशि में आएगा तो लोग मैथ्स को छोड़ेंगे, अपनी बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई को छोड़ेंगे, साथ में बच्चे जो इस टाइम पर पैदा होंगे ना उनको नर्व्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आई स्टिल प्रे टू गॉड कि ऐसी चीज़ें ना हो, बट आप इन चीज़ों का ध्यान दिए ज़रूर देना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, और आफ्टर डिलीवरी भी।
ऑटिज्म के केसेस आपको काफी ज्यादा आप सुनने में आएंगे कि काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है. इंट्रोवर्ट बात नहीं करेंगे अपनी, उनको स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, स्पीकिंग में इश्यूज आएंगे, ये सारी चीजें आपको बराबर पे ज्यादा सुनने को आ सकती हैं. और देखिए कि जैसे आपने देखा था कि बीच में एक कोर्स आया था अबैकस, जिन लोगों ने किया होगा उनको भी पता होगा, वैसे ये चीज आई थी व्हेन आई वाज इन आई गेस इन सेवेंथ और एट्थ स्टैंडर्ड, तब या नाइन्थ स्टैंडर्ड की बात है, उस टाइम पर ये कोर्स आया था अबैकस का, तो तब की चीज है. तो बिल्कुल उसमें भी और ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इस फील्ड के अंदर आपको और ज्यादा कुछ चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी, कुछ रिसर्च मिल सकती है इसके अंदर, लाइक कम्युनिकेशन के अंदर राइटर्स बहुत सारे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, सिंगर्स वाली जो यहाँ पर कोई सिंगर राइटर वो हमें अलविदा भी कहकर जा सकते हैं, कोई बड़े नामी अगर इस फील्ड में है, कोई जर्नलिस्ट, तो वो चीज़ें भी आपको सुनने में आ सकती हैं. ठीक है, इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे ब्लॉकेजेस भी सैटर्न हमें देता है, ठीक है, वो जल्दी से चीज़ें हमें मिलने नहीं देता, तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं. इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो केतु है ना वो बुद्धि से परेशान करने वाला है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग मेंटली अपसेट रहेंगे, लोग अपनी बात कह के मुकर जाएंगे, ये वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है. इसके साथ ही वैसे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो ही रही है, बट ये चीज़ अब आपको और ज़्यादा सुनने को आएगी, देखने को आएगी. और रिसर्च वाली जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाली है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ आ सकती हैं जहाँ पर, क्योंकि रिसर्च काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता हुआ नज़र आएगा, स्पीकर वाली चीज़ें, ठीक है, अगर क्योंकि जब हम स्पीकर की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं केतु को भी डिनोट करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिल सकती हैं. और मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ें बाय बाय होती हुई भी नज़र आएंगी, क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यूज़ नहीं हो रही, बट हो सकता है कि जो बड़े बड़े स्पीकर्स थे उनको हटाया जाएगा, ठीक है, उनको रिमूव किया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा, जैसे वो जो माइक सिस्टम थे बड़े पहले बोला जाता था पकड़कर, है ना, तो वो सारी चीज़ें माइक वगैरह वो सारी चीज़ों को हटा सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे और ज़्यादा देखने को मिलेंगी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ कर दिया जाएगा और वो यूज़ होती भी आपको नज़र आएंगी. ये जो धर्मों के ऊपर बात हो रही है, वैसे भी 2024 में इलेक्शंस हैं तो इस चीज़ के ऊपर तो बात हो ही रही है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली हैं. तो इस साल के लिए मैं अगर तीन इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँ तो सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, इस साल गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है. दूसरी अगर मैं बात करूँ तो ज़मीन जायदाद की, अगर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को इस साल घर मिलने वाले हैं डेफिनेटली, बहुत टाइम से जिनके सपने थे कि हमारे पास अपना घर हो, अपना घर हो, तो वो चीज़ बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, खुशी वाला टाइम है, अच्छी चीज़ है, मैनिफेस्ट होगी पॉजिटिव. जिन लोगों की शादियों में परेशानी आ रही थी, और स्पेशली मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जो 32-35 साल से ऊपर के हैं वो लोग, उनकी शादियाँ हो सकती हैं अगर आप ट्राई करते हैं. इंडिविजुअल बर्थ चार्ट तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है इसके साथ ही. और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कोई फिक्स आरडी एफडीज ये सारी चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा. और अगर आप प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक जाइए, मेरे कहने पर आने वाले एक दो सालों में आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स आपको वो रेट देंगे जो आपने अपनी लाइफ में सोचे भी नहीं होंगे. 2024 में भी और 2025 में भी आपकी प्रॉपर्टी के रेट बूम करेंगे, बूम, तो ये भी आप ज़रूर देखिएगा. तो जो लोग खरीदना चाह रहे हैं जल्दी से खरीद लीजिए, और जो लोग बेचना चाह रहे हैं वो रुक जाइए. और इसके साथ ही बिजनेस बहुत सारे लोग शुरू कर सकते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपना पहले अच्छे से बर्थ चार्ट देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं जो कि उनको नहीं मिलते, और फिर बाद में वो खुद परेशान होते हैं, पूरी फैमिली को परेशान करते हैं, सबको परेशान करते हैं. और यहाँ पर वैसे भी सैटर्न के टाइम पे चीज़ें डिले होंगी, डेफिनेटली होंगी,
अब कितना परसेंट होती है वो आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, पर चीजें डिले स्लो प्रोग्रेस ही होगी इस टाइम पर, ठीक है। इसीलिए सैटर्न वाले लोगों को जो चीजें मिलती है ना वो ऑलमोस्ट 35 के बाद मिलती हैं, अगर सैटर्न अच्छा रहता है तो। एफर्ट्स किए होते हैं पहले वाले टाइम में तो तब 35 के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर ना जो बुध में केतु है ना कहीं लोग लेस एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत सारे लोग ये चीज़ फील भी कर रहे होंगे कि हमें ना कुछ बोलना ही नहीं है, सामने वाला अगर बात को समझ रहा है तो बस शक्ल देखकर समझ जाए एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ फेस रीडिंग वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं, जो लोग फेस रीडर्स हैं पाम रीडर्स हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि लोग इस टाइम पर उन मोडालिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला बंदा खुद ही बताए कि क्या परेशानी है, ठीक है, बजाय इसके कि हम अपने क्वेश्चंस पुट करें, नहीं अब सामने वाला बता दे हमें कि फेस रीडिंग करके कि कैसी क्या चीज़ें हैं। साइकोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा इस साल बिजी रहने वाले हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी केस आने वाले हैं, और आप देखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर जो मून है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, और डिस्टर्ब क्या होगा वाटर एलिमेंट के साथ है, एंड सबसे ज़्यादा लोग जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि राहु बैठ भी वहाँ पर गया और मन में वो चीज़ आपको दिखाता रहेगा कि जल्दी से मिल जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, सैटर्न वो चीज़ होने नहीं देगा, लोग सबसे ज़्यादा परेशान इसी वजह से होंगे, लोग जॉब अपनी बिना सोचे समझे छोड़ देंगे, स्विच करने की कोशिश करेंगे, तो ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि कल को ये आपको बहुत ज़्यादा आप समझ के चलेगा कि सैटर्न वाले ईयर में जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, और पहले से ही अनएम्प्लॉयड है तो फिर बहुत ज़्यादा सोच कर ही किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, क्योंकि कहीं वो चीज़ आपको शॉर्ट टर्म ना दिख रही हो, मतलब लग रहा हो कि बहुत अच्छी है सब कुछ है और फिर वो बाद में आपसे वो चीज़ें आपको फ्रूटफुल ना रिजल्ट दें, ठीक है। इसके साथ ही बार बार मैं यहाँ पर एक चीज़ की बात कर रही हूँ कि पेशेंट लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट्स अगर आपका कम है ना तो कोई चीज़ कोई रेमेडी आपको यहाँ पर नहीं बचा सकती डिप्रेशन जैसी परेशानी से, क्योंकि सैटर्न चीज़ों को डिले करेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, अभी तो साल शुरू भी नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव अट्रैक्ट करनी शुरू कर दोगे, मैनिफेस्टेशन जो है ना समझ लो, एक्सेप्टेंस लाओ अंदर। डॉक्टर्स राइटर्स एस्ट्रोलॉजर्स कोई गुरु या कोई कॉमेडियन और बैंकर्स ये सारे इस बार ही लाइमलाइट रहने वाले हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की तो बात हो ही रही है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ स्पेशली जिन लोगों के नंबर जो थोड़े क्रिएटिव फील्ड से हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब कुछ ऐसी पेंटिंग्स वाले जो डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, क्रिएटिव जहाँ पर आर्ट मतलब कुछ अंदर से टैलेंट दिखाने वाली बात होती है ना, तो वो वाले जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हाईलाइट होते हुए नज़र आएंगे, आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ अलग ही लेकर आएंगे, इसीलिए मैंने कुछ यूट्यूबर्स के लिए भी आपको बोला था जो गायब होते हुए नज़र आएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ दिखाएं बाहर जो मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर लाइमलाइट हों कि आपने जो एक्सपेक्ट ही नहीं की होंगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं, ये वाले टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा, या इन फील्ड से रिलेटेड कोई कोई पर्सन जैसे कम्युनिकेशन है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए आपको नज़र आएगी इस साल, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट देने वाली है, स्पेशली अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में हैं, डिज़ाइनर हैं, इवेंट मैनेजमेंट में हैं, तो अच्छा रहने वाला है साल, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी बीच बीच में आपके साथ ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। जय गुरु जी।